टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छह की गणित का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से, निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि बॉक्स में हमें सही संख्या भरना है। यह है 2/7 और बराबर दिया है 8/ खाली स्थान। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीकों से हल कर सकते हैं। जैसे कि ये 2/7 है, इसमें यदि हम 1 या 1/1 से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा, या सिर्फ 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से 4/4 कितना होता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना दिया है, 8 इस तरफ। तो यदि हम 8 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 4। तो हम 2/7 में 4/4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और नीचे 7 चौक 28। इस तरह से जो बॉक्स में संख्या भरी जाएगी उसका मान होगा 28। इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं, 4/4 और ये 2 चौक 8 और ये 7 चौक 28। एक तरीका तो ये है इसका। और नहीं तो फिर ये देखिए, ये अनुपात में है और ये भी अनुपात में है, और ये बीच में समानुपात का निशान है, यानी समानुपात यानी कि बराबर। जब ये दोनों समानुपात में हैं तो इनका हम त्रिक गुणा कर सकते हैं। ये सेकेंड मैथड है आपकी। तो जब हम इनका त्रिक गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा बॉक्स बराबर 7 गुणा 8। अब ये बॉक्स को हम यहीं रहने देते हैं, 7 गुणा 8/2 कर देते हैं, 2 से ये कट जाएगा 8 चार बार, और ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28। इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों स्थिति में आंसर आएगा 28। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा कि इसको पहले इससे डिवाइड कर दो और फिर जो भी आता है भागफल उसका हम इनमें गुणा करके ऊपर नीचे की संख्या ज्ञात कर लें। तो ये देखिए 5/8 है ये, और बराबर है 10/ और ये बॉक्स। तो इसको हम पहले इसी तरीके से हल करेंगे, 10/5 कितना हुआ, ये हुआ 2। तो हम इसको 2/2 से गुणा कर देंगे, यहाँ तो हो जाएगा 5 × 2 = 10 और ये 8 × 2 = 16, तो बॉक्स में आ जाएगा 16। अब इसी को हम दूसरी विधि से हल करें यदि, तो इसको हम त्रिक गुणा कर देंगे, इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो ये 5 × बॉक्स बराबर हो जाएगा 8 × 10, तो बॉक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये गुणा में है तो इस तरफ आके भाग में हो जाएगा, एक तरह समीकरण बन गया। तो गुणा में है वो चीज़ भाग में आ जाएगी, 8 × 10 / 5। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 10 को, तो 5 एकम 5 और ये 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा 8 × 2 = 16। दोनों स्थितियों में 16 आंसर आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा 16 आंसर आया था। अब देखिए इसी का है ये सी वाला, इसमें है 3/5 बराबर बॉक्स 20। तो ये यदि हम ये देखिए, अब ऊपर बॉक्स आ गया, अभी तक नीचे बॉक्स थे, तो हम 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ये हो जाएगा 20/5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 चौक 20, यहाँ आ जाएगा 4। तो अब हम ऊपर नीचे 4/4 से गुणा कर देंगे, इनमें हम यदि 1 का गुणा करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसके मान में, ये हो जाएगा 4/4, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 5 चौक 20, तो बॉक्स में आ जाएगा 12। दूसरी मेथड यदि आपको ईजी लगती है तो आप लोग दूसरी मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। फिर ये वाला है 45/60। अब इस तरफ बॉक्स नीचे है तो हम क्या करेंगे, जो इसका डी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है 45/60 बराबर 15/बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर संख्या बड़ी बड़ी दोनों दी हैं और ये छोटी संख्या है और इसमें बॉक्स खाली है, तो यहाँ पर हमें भाग करना पड़ेगा। ये कैसे पता चला, भाग करना पड़ेगा क्योंकि 45 में हम 15 का भाग दे के देखेंगे कितनी बार जाता है, 3 बार। तो ये हो जाएगा 45/15 बराबर ही आ जाएगा 3 हमारा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में भाग देंगे, हम 45/60 और ऊपर भी भाग दिया हमने 3 से और नीचे भी भाग दिया 3 से, क्यों दे रहे हैं, जिससे कि ऊपर तो आ जाएगा 15 यहाँ पर और नीचे जो हमें चाहिए है वो भी प्राप्त हो जाएगा, 60/3 = 20, तो बॉक्स में आ जाएगा 20। इसको फिर से देख लीजिए, ये है 45/60, तो ये दोनों संख्या तो दी है लेकिन जो छोटी संख्या है वो नहीं दी है। अब जब बड़े से छोटी ज्ञात करनी है तो हमें भाग करना पड़ेगा, ऊपर नीचे यदि हम 3 से भाग देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हम 45/3 करेंगे यदि
तो ये तो आ जाएगा 15, साथ ही साथ नीचे की संख्या भी आ जाएगी 60/3 = 20। इसी को यदि आप दूसरे मेथड से हल करना चाहें तो ये भी देख लें, ये है 45/60 = 15/ये बॉक्स। तो अब क्या करेंगे, हम इनका हम त्रिक गुणा कर देंगे क्योंकि ये दोनों समानुपात में है, तो ये हो जाएगा 45 × बॉक्स = 15 × 60। अब ये बॉक्स को हम यहीं रहने देंगे, 15 × 60 / 45। इसको हम चाहे तो 5 से काट सकते हैं, 3 से, और नहीं तो सीधे सीधे 15 से भी काट सकते हैं। ये 15 × 1 = 15 और ये 15 × 3 = 45, ये हो गया 60/3। तो 60/3 यानी कि 20, दोनों स्थितियों में 20 आंसर आएगा। अब इसी का है डी वाला क्वेश्चन, इसमें है 18/24। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी बड़ी संख्याएं दी हैं ज्ञात पहले से और छोटी संख्याएं हमें ज्ञात करना है, तो हम इसमें ऊपर नीचे किसी संख्या से भाग करेंगे। अब वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, किससे भाग करना है, ये देखिए 18 के सामने तो बॉक्स दिया है लेकिन 24 के सामने दिया है 4, तो 24/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×6 = 24। अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में ऊपर नीचे 6 से भाग देना है, यहाँ भी 6 से भाग देंगे और यहाँ पर भी 6 से भाग देंगे। तो 24 में 6 का भाग दिया तो 4 आ गया, दिया है 18 को 6 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, बॉक्स में आंसर आएगा 3 हमारा। उम्मीद करती हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी, देखने के लिए धन्यवाद।